हेलो गाइस, आप सबका बालक की रसोई में स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है आयुर्वेदिक पाउडर बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आप भी इसे जरूर ट्राई करना। तो आइए देखते हैं। यह हमने सौंफ लिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम हमने बादाम लिया है, 50 ग्राम ही हमने अखरोट लिया है, और ये लिया हमने कुंजा मिश्री, इसको हम धागे वाली मिश्री भी कहते हैं, और ये हमने 100 ग्राम ली है, इसको हम भूरी मिर्च कहते हैं, ये हमने 10 ग्राम लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने मिक्सी का जार लिया है, सबसे पहले हम सौंफ को ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी सौंफ अच्छे से पिस चुकी है, ये देखिए कितनी बारीक पिसी है। अब हम इसमें ये बादाम पीस लेंगे। जब तक हम बादाम पीसते हैं तब तक हम ये कुंजा मिश्री है इसको भी तोड़ लेंगे। ये हमारे बादाम भी अच्छे से पीस चुके हैं, ये देखिए। अब इसी में मैं अखरोट और ये भूरी मिर्च भी पीस लूँगी। ये मैंने अलग अलग इसलिए पीसे हैं ताकि मेरे जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से पीस जाए। ये हमारी ये भी अच्छे से पीस चुकी है, भूरी मिर्च भी, और ये हमने कुंजा मिश्री को अच्छे से तोड़ लिया है। अभी इसको भी इसी में पीस लेंगे। आप चाहे तो एक साथ सारी चीज़ें भी पीस सकते हैं। ये हमारी सारी सामग्री अच्छे से पीस चुकी है, अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। यह हमारा पाउडर अच्छे से बन चुका है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। चाहे जितना भी पुराना चश्मा क्यों ना लगा हो, ये 10 से 15 दिन में ही उस चश्मे को हटा सकता है। आप इसे गाय के दूध के साथ ही लेना, जिससे ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इसे सुबह शाम एक एक चम्मच ही लेना, ये बहुत ही जल्दी रिजल्ट आपको देगा। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करो, चाहे कितना भी पुराना चश्मा क्यों ना हो वो सब उतार देगा, और चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, ये कोई भी दवाई ले सकता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।